अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे। आप लोग हमारी वीडियोस तो देखते होंगे। वीडियोस हमारी थोड़ी सी लेट हो जाती हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा मसरूफ़ हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ लेकर आई हूँ, बच्चों के लिए बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आप बच्चों को फटाफट बना कर दे सकते हैं। ये मैंने मैक्रोनीस बॉयल कर लिए हैं और उसके साथ मैंने ये चिप्स बना लिए, इनमें ये भी मैंने फ्राई कर लिए। इसमें ना तो ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए और ना ही ये ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें हैं, सिर्फ तीन से चार चीज़ों के साथ मैं इसको बनाने लगी हूँ। और आप लोगों को भी बनाना बहुत आसान है। आप लोग इसको बनाएं, वीडियो को शेयर करें। दो चीज़ें तो मैंने ये आपको दिखा दी हैं, दोनों चीज़ें मैंने तैयार करके रखी। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ वो है चिकन। चिकन को मैंने पहले 2 मिनट पहले मैरिनेट किया है। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मैदा लगा के सिरका और सोया सॉस भी डाला है। थोड़ा सा मैदा लगा के इसको मिक्स किया, मिक्स करके मैंने इसको उसमें डाल दिया है, फ्राई पैन में ऑयल में डाल दिया है। और ये देखिए मैंने ना इसमें कुछ ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, हल्का सा ऑयल डाला और ये देखिए चिपक भी नहीं रहा। और इसको आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, जो बोनलेस चिकन होता है उसको ज़्यादा कुक नहीं करते क्योंकि इस तरह ज़्यादा कुक करने से ये फिर हार्ड हो जाता है, रेशे इसके हमसे खुलते नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि ये चिकन हमारा हार्ड हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। बस देखना है कि अंदर से ये अच्छी तरह गल जाए तो आपने इसको उतार लेना है। ये देखिए छोटी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेबी मेरा पीछे रो रहा है, वो उसके लिए मैं बना रही थी, मैंने कहा वो ज़रा खा लेगा लेकिन वो पीछे रोना शुरू हो गया। चलें कोई बात नहीं। अभी चौथी चीज़ जो आपने इसमें डालनी है वो है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ की मैंने एक स्लाइस ली है इसमें डालने के लिए क्योंकि ये थोड़ी सी बनाने लगी हूँ मैक्रोनीस, इसलिए आज मैं इसमें से सिर्फ एक स्लाइस डाल के इसको जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तब इसमें डालना है। मोज़रेला चीज़ आप लोगों ने इसमें तब डालनी है जब सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी, तो इसको एड में डाल के आपने ऊपर से कवर कर देना है। चिकन हमारा अलहमदिल्ला कुक हो चुका है। ये देखिए इसकी शिकन ये आ चुकी है। अब इसमें हम वो डाल देते हैं मैक्रोनीस और चिप्स जो बना के रखी हुई है, मैक्रोनीस और चिप्स मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी, स्पाइसेस इसमें बिल्कुल लाइट से डालूंगी, काली मिर्च, नमक भी बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है। ये देखिए तकरीबन आधी चम्मच से भी मैंने कम डाला, आधी चम्मच से भी कम डाला और थोड़ी सी काली मिर्च डाली। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे आपके बच्चे लाइक करते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत कम स्पाइसेस जो हैं वो लाइक करते हैं। नमक मिर्च मैंने इसमें डालकर इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें चीज़ डालने लगी, देखिए चीज़ इसमें डाल के तो इसको थोड़ी देर मिक्स करूँगी, 1 मिनट के लिए मिक्स करके फिर इसको मैं 2-3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। चीज़ मैंने इसमें डाल दी है मिक्स होने के लिए। अब जितनी देर तक चीज़ मेल्ट होती है तो हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी शक्ल आई है माशाल्लाह। तो आप मेल्ट जो वो चीज़ थी जो इसके अंदर मेल्ट हो गई है और उसकी वजह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं अभी आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। मान रहीम मैक्रोनीज़ हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह शक्ल इसकी बहुत अच्छी आ रही है और ये फटाफट से तैयार होने वाली रेसिपी है। आप लोग भी घर में ट्राई करें, बच्चों को इंजॉय कराएं, खुद भी इंजॉय करें। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो